आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि स्टैंड अप पाउच कैसे बनते हैं। अलग अलग तरीके के पाउच बनते हैं, सेंट्रल सील, फोर साइड, थ्री साइड, डी कट, बटरफ्लाई, ऐसे अलग अलग बनते हैं। उसमें आजकल सबसे डिमांड में जो है वो स्टैंड अप पाउच है, स्टैंड अप विद जीपर और स्टैंड अप भी ये चलते हैं। प्लेन मार्केट भी अवेलेबल होते हैं, प्रिंटेड भी होते हैं। हम ये ग्रेवर प्रिंटिंग किया हुआ है 12 माइक्रोन पॉलिस्टर पे, बाद में 12 माइक्रोन मेटलाइज लेमिनेशन किया है, उसके बाद 65 माइक्रोन नेचुरल एलईडी किया है। और ये बंद मशीन में आपको दिखा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि भी ये रोल होता है, रोल निकलने के बाद आगे जाता है, मुड़ता है, स्टैंड अप के लिए मुड़ता है, उसके बाद सीलिंग होता है, सीलिंग होने के बाद कूलिंग होता है, और कूलिंग होने के बाद ये आपको अल्टीमेटली हम दिखाते हैं कि एमके फ्लेक्सीपैक में कैसे हम पाउच बनाते हैं। तो ये ऐसे पाउच तैयार होता है, एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस में हम ध्यान रखते हैं कि कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है उसकी प्रिंटिंग लेमिनेशन वो शार्प आना चाहिए, प्रिंटिंग क्वालिटी को समझना पड़ता है, चार कलर के कॉम्बिनेशन को, और ऐसे तैयार होकर पाउच बनता है। और अल्टीमेटली आपके हाथ में ये देखिए चाय पत्ती का पाउच तैयार है, एमके फ्लेक्सीपैक में तैयार किया हुआ लेमिनेट।